पायल जी बताइए जरा किस इवेंट के बारे में, सॉन्ग के बारे में। ये जो सॉन्ग है ये हमारे स्वच्छ भारत के ऊपर है, जो कि हम सबको पता है, पूरे देश को पता है कि अभी का ये सबसे बड़ा इशू है कि देश को स्वच्छ बनाना है। जितनी गंदगियां है, मतलब और श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी एक इतना बड़ा कदम उठाया है, उनके इस इतने बड़े अभियान के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं अभी। तो हमारा मोटो ये है कि हम लोग इस गाने के थ्रू, ये गाना हमारा सबको बहुत पसंद आया है, और इस गाने के थ्रू जो मैसेज है कि हमारे देश को स्वच्छ रखना है एक अच्छे भविष्य के लिए, तो हमने ये कोशिश की है कि हमारे थ्रू ये मैसेज सब तक पहुंच सके। पायल, हाल ही में अभी आपने एक गाना गाया है काबिल का, जी। इज अ वेरी हैप्पी पैप्पी सॉन्ग, और ये जो गाना है काफी सेंसिटिव है, काफी सिंसियर सॉन्ग है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये सॉन्ग आपको कैसे लगा? काबिल का सॉन्ग ये वाले, हाँ, स्वच्छ भारत, ये एक्चुअली ये मित्र है हमारे ऋषिकेश जी, इनका इनके साथ मैंने काफी गाने गाए हैं इनके, तो मतलब, और जो श्री नरहरि जी हैं उन्होंने मेरी आवाज सुनी थी, मेरे बाजीराव का सॉन्ग सुना था, क्योंकि ये गाना पेपे नंबर नहीं है, तो मेरा जो बाजीराव का सॉन्ग है अब तो है जाने ना दूंगी, तो वो उनको काफी पसंद है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग इनको, इनकी वॉइस ट्राई कर सकते हैं अपने इतने अच्छे गाने के लिए, तो ऋषिकेश जी ने बोला कि वो चाहते हैं कि आप कोशिश करें। मैंने कहा जरूर, एक मौका तो मिल रहा स्वच्छ अभियान के साथ जुड़ने का, तो मैं जरूर कोशिश करना चाहूंगी, तो इसलिए मैंने गाया है, होपफुली सबको पसंद आया, उनको भी बहुत पसंद आया है। ऋषिकेश जी ने पहली बार आपके ख्याल में, आपके जहन में कब आया था कि इतने बड़े मुद्दे पर एक गाना तैयार होना चाहिए? एक्चुअली मैं पिछले 2 सालों से सोशल वीडियोस और सोशल गाने बना रहा हूँ, और खासकर मैं एक सोशल फिल्म मेकर हूँ, मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, तो स्वच्छ भारत, क्योंकि ये पिछले 3 साल से मोदी जी इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो अभी तक हमने कुछ अलग अलग स्वच्छ भारत के छोटे छोटे रूप में कुछ गाने ऑलरेडी किए थे, लेकिन एक नेशनल लेवल का जो सॉन्ग चाहिए था उस पे मैं पिछले 1-1.5 महीने से काम कर रहा था इस पे, और आईएएस ऑफिसर है पी नरहरि जी जो इसको लीड कर रहे हैं, और वो भी बहुत सोशल वर्क करते हैं, तो उनके साथ मिलके हमने ये प्लान किया था कि एक हार्ट टचिंग सॉन्ग की आवश्यकता है स्वच्छ भारत को भी, तो हमने फिर इसको तैयार किया, और तैयार करके हमने कुछ अधिकारियों को इस पे इस गाने को सुनाया, जब हमने सुनाया तो पहली बार में ही जो नरहरि जी है उनको मैम की वॉइस याद आया, और उनने कहा कि इनको लेके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनके साथ हमने ऑलरेडी 2-3 सॉन्ग ऐसे प्लान किए जो अभी आने वाले हैं और सोशल इश्यूज पे हैं, और मैम भी सोशल इश्यूज के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती है, तो इस कारण से इस सॉन्ग को लेके हमने वर्कआउट स्टार्ट किया। तो ये स्वच्छ भारत अभियान का जो ये गाना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे सुनने को मिलेगा, और क्या आपने हमारे ऑनरेबल पीएम साहब को भी आपने ये गाना सुनाया है?
अभी पीएम साहब को हमने नहीं सुनाया है, बट पीएम साहब को हम इसको जल्दी सुनाने वाले हैं और हम उनको एक सीडी के माध्यम से और लेटर के माध्यम से इसकी जानकारी भी दे रहे हैं. जल्द ही इसको मोदी जी इसको सुनेंगे. साथ में जो अदर और लोग लगे हुए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन सबको हम ये सॉन्ग सुनाएंगे जल्दी, क्योंकि जस्ट अभी हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको हमें एक दो दिन का समय और लगेगा गाने को बनने में. जैसे ही बनेगा इसको हम दिल्ली लेके जाएंगे इसको और सबको हम सुना के. अब जो रिलीज की बात है, रिलीजिंग के लिए हम इसको सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं कि जितने भी सोशल मीडियाज हैं और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया में, उन सारे प्लेटफॉर्म में सबसे पहले आएगा. उसके बाद ये जितने एफएम चैनल्स हैं, एफएम चैनल्स में भी इस गाने को हम लोग प्रमोट करेंगे. फिर जितने भी टीवी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स के माध्यम से भी हम लोग इसको देश के लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैम ने सॉन्ग गाया है बहुत ही सुरीली अंदाज में गाया है. मैं बताना चाहूंगी सॉन्ग के बारे में कि इनके साथ मैंने काफी सारे गाने किए, लेकिन ये जो कंपोजिशन है इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली कंपोज किया है. एक गाने को जब हम लोग पहली बार सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इस गाने को हम कितने अच्छे से गाए, और अगर कंपोजिशन अच्छी होती है तो लगता है कि और जान देके गाए, जी जान से गाए गाने को. और सबसे बड़ी बात है, और ये इतना बड़ा एक कॉज भी है स्वच्छ भारत, तो इसलिए मैंने और फील के साथ और ज्यादा गाने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोग ये एक बहुत बड़ा इशू है. अब एक्चुअली हम लोग काफी बार देखते हैं कि रास्ते में नॉर्मल जैसे कोई भी जाता है, हाथ में कुछ भी है वो ना ऐसे रोड पे गिरा दिया, तो इससे स्वच्छता नहीं आ सकती. इसके लिए खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि हम ऐसी जैसे डस्टबिन, जो डस्टबिन में फेंकना है वो रोड पे ना फेंके. हमें सिर्फ पूरे इंडिया को स्वच्छ बनाना है, तो इसके लिए हर एक इंसान को जागरूक होना पड़ेगा. उनको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपने देश को, मैं अपने देश को कैसे स्वच्छ बनाऊं. ये हर एक इंसान के माइंड में ये होना चाहिए, तभी इतना बड़ा जो मिशन है ये पूरा हो सकता है. ओके पायल, आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको नहीं लगता जैसे मेरी ऑफिशियल कर देना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, यानी कि जब भी हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं एंथम की तरह हो जाना चाहिए? बिल्कुल, एंथम बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पहले भी काफी सारे सॉन्ग्स आए हैं, मैंने सुना है, सब भी बहुत अच्छे, लेकिन ये बहुत अच्छा है. एक्चुअली ये सबसे अच्छा, होपफुली सबसे सुंदर वर्जन है इस गाने का, तो इसको नेशनल लेवल पे करना चाहिए. ये मतलब नहीं, बिल्कुल इसके लिए हम लोग जो हमारे शब्द हैं इस गाने के, उस शब्द को लेके हम पूरा एक पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि जितना खूबसूरत ये सॉन्ग है उतना ही खूबसूरत इसका वीडियो भी हम बना रहे हैं, जिसका डायरेक्शन मैं खुद ही कर रहा हूँ. तो बहुत जल्द आपके पास ये सॉन्ग होगा, और जैसा कि मैम ने बोला कि इसको एक नेशनल एंथम के रूप में हम लोग लेके जाना चाहते हैं, कि स्वच्छ भारत का ये नेशनल एंथम की तरह हो, और ये हर गली और हर मोहल्ले पे इस गाने को लोग सुने, ना सिर्फ सुने बल्कि पूरे देश को सफाई अभियान के साथ वो जुड़ जाए और सपोर्ट करे हमारे श्री पीएम को, कि वो हम सब उनके साथ है. वो इतना एटलीस्ट अगर उनको ये एहसास दिलाएंगे तो आई थिंक उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे देशवासी भी उनके साथ है. किसी गाने को किसी म्यूजिक में ये गाना है.